गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में नेपाल की सीमा के पास स्थित खूबसूरत शहर है। गोरखपुर जिले में प्रशासनिक मुख्यालय और पूर्वोत्तर रेलवे NER का मुख्यालय भी है। गोरखपुर एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है जो अतीत से बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख संतों की साधना स्थली रहा है, किंतु मध्ययुगीन सर्वमान्य संत गोरखनाथ के बाद उनके ही नाम पर इसका वर्तमान नाम गोरखपुर रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं ब्लॉसम नॉलेज। तो आज हम आपको बताएंगे गोरखपुर शहर के 10 खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में। नंबर 1, गोरखनाथ मंदिर। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गोरखनाथ मंदिर पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। यह नाथ संप्रदाय का सबसे सम्मानित मंदिर है। यह मंदिर संत गोरखनाथ को समर्पित है। उन्होंने पूरे देश में मानवता और योग का प्रचार किया। इन्हीं संत के नाम से इस शहर को नाम मिलता है। 12वीं शताब्दी में गोरखनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। मकर संक्रांति के त्योहार के दौरान सभी भक्तों को यहाँ भोजन दान किया जाता है। मंदिर परिसर के अंदर एक कृत्रिम तालाब भी है। नंबर 2, गीता प्रेस। गीता प्रेस में वर्तमान में हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों को प्रकाशित करने का गौरव प्राप्त है। यह प्रेस 1923 में जयदयाल गोदंका द्वारा शुरू किया गया था। प्रेस में पवित्र गीता, पवित्र महाकाव्य, रामायण और महाभारत, पुराण, उपनिषद और विभिन्न संतों और गुरुओं के कार्यों को भी प्रकाशित किया गया है। यहाँ पर्यटक हिंदू धर्म की सभी पुस्तकें, ग्रंथ आदि देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। नंबर 3, रेलवे संग्रहालय। यह रेलवे संग्रहालय और संलग्न मनोरंजन पार्क गोरखपुर पर्यटन स्थल में आकर्षण का केंद्र है। यह संग्रहालय वर्ष 2007 में जनता के लिए खोला गया था। इस संग्रहालय का सबसे विशेष आकर्षण लाल लॉरेंस के भाप का इंजन है। यह 1874 में लंदन में बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ एक फोटो गैलरी, वर्दी, पुरानी घड़ियों और यहाँ अन्य इंजन भी हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ एक खिलौना ट्रेन भी है। नंबर 4, नेहरू पार्क। नेहरू पार्क गोरखपुर के लाल डिग्गी इलाके में स्थित है। यह पार्क फव्वारे और चमकदार बहुरंगीन रोशनी के कारण एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सुंदर दिखता है। यहाँ एक स्मारक भी है जो 16 सितंबर 2005 को स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन और स्मृति को समर्पित है। पार्क में बच्चों के विशाल लान, पिकनिक स्पॉट और भी कई आकर्षण के केंद्र शामिल है। नंबर 5, विंध्यवासिनी पार्क। विंध्यवासिनी पार्क सिर्फ दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको अपने लिए एक आत्मअनुग्रहपूर्ण क्षण भी चुरा सकता है। असाधारण वास्तुकला, अभिनव लेआउट और अच्छी तरह का विचार निष्पादन पर्यटक हितों का एक बहुत ही प्रतिष्ठित बिंदु है। दिलचस्प विषयों, शानदार डिजाइन, रंगीन प्रदर्शन, मनोरंजन पात्रों और परिवेश संगीत का यहाँ बेहतरीन संगम है। बच्चों और परिवार के साथ यादगार समय गुजारने का सबसे अच्छा तरीका विंध्यवासिनी पार्क है। नंबर 6, नीर निकुंज पार्क। गोरखपुर में रोमांच और मस्ती प्रेमी के लिए यह पार्क उपलब्ध है। नीर निकुंज पार्क गोरखपुर का एक जल पार्क है। नीर निकुंज जल मनोरंजन पार्क में बहुत सारे थ्रिलर सवारी उपलब्ध हैं। इस पार्क में स्विमिंग पूल स्लाइड्स, फिश स्लाइड्स पार्क, मल्टीप्ले उपकरण, एनाकोंडा फन आदि उपलब्ध है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के झूले भी हैं। यहाँ आप अपने परिवार, दोस्तों के साथ मस्ती भरे क्षणों का आनंद ले सकते हैं। नंबर 7, कुसमी वन। कुसमी वन साल के पेड़ों का एक घना जंगल है। घने हरे जंगल में बुद्धिया माई नामक एक धार्मिक पिकनिक स्थान है। जंगल में अन्य आकर्षण विनोदवान पार्क और एक चिड़ियाघर है। कुसुम वन स्थानीय लोगों के लिए बाहर निकलने और मनोरंजन के लिए एक बेहतरीन जगह है। नंबर 8, वीर बहादुर सिंह तारामंडल। वीर बहादुर सिंह तारामंडल स्थानीय लोगों और बच्चों दोनों को आकर्षित करता है। यह तारामंडल स्कूल के बच्चों के लिए लर्निंग सेंटर की तरह भी काम करता है। यहाँ पहुँच बच्चे शो के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। वहीं नक्षत्रों से जुड़े सवाल के जवाब उन्हें विशेषज्ञों द्वारा मिल जाते हैं। नंबर 9, रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल दक्षिणी पूर्वी छोर पर 1700 एकड़ में फैला एक विशाल और प्राकृतिक ताल है। इसकी सुंदरता व वातावरण को देखने के लिए सुबह व शाम युवाओं की भीड़ लगी रहती है। इस ताल का केवल गोरखपुर के स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐतिहासिक महत्व है। ताल में लाइट एवं साउंड शो के साथ शाम ढलते ही ताल का नज़ारा अद्भुत होता है। नंबर 10, राजकीय बौद्ध संग्रहालय। इस संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1988 में विविध तत्वों के संरक्षण के लिए की गई थी। संग्रहालय इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पाषाण काल से लेकर मध्य काल तक की पुरातात्विक वस्तुएं हैं। इसमें पत्थर की वस्तुओं, कांस की मूर्तियां, धातु की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, हाथी दांत आदि मौजूद हैं। अन्य कई आकर्षण भी मौजूद हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।